हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर, एंड आई होप यू विल बी फाइन. टूडे विल स्टार्ट ए न्यू थीम, थीम 3, एंड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. रोमन एम्पायर 27 BCE टू 7th सेंचुरी. टॉपिक फर्स्ट, रोमन एम्पायर 27 BCE टू 7th सेंचुरी. ज्योग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक जो विशेषताएं थी, इट कवर्ड मोस्ट ऑफ यूरोप एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका. ये कंप्लीट यूरोप में एस्टेब्लिश था और साथ में ही अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ पार्ट थे एक फर्टाइल क्रिसेंट के रूप में. मेडिटेरियन सी वाज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एंड ऑल द रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ. और इसका हार्ट था मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर और इसके आसपास के क्षेत्र या रीजन, इलाके. पॉलिटिकल फीचर्स, ऑगस्टस वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर 27 BCE टू 14 CE, सक्सेडेड बाई टिब्रिस. इसके बाद टिब्रिस बने सम्राट रोम के 14 टू 37 CE, एंड कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज ट्रेजन अक्रॉस द यूफ्रेट्स. उस प्रकार जो ट्रेजन जो था उसने इसको और एक्सपेंड किया, इसको बढ़ाया यूफ्रेट्स रिवर के पास तक इन द ईयर 113 टू 117 CE में. रोमन पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड इन बिटवीन इटली, ईरान एंड प्रोविंसेस बाय द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी. जो रोमन पॉलिटिकल पावर थी वो शिफ्ट हो गई थी इटली में, ईरान में. यानी एक सेंट वन सेंटर वाज द इटली एंड अदर एमर्ज एज द ईरान. ईरान के रूप में दूसरा सेंटर बना और एंड द प्रोविंसेस, और बाद में जो इसमें प्रोविंस और जो स्टेट थे उनमें भी पावर शिफ्टिंग हुई, और ये हुई थी सेकंड एंड थर्ड सेंचुरीज में. टॉपिक सेकंड, लिस्ट ऑफ रोमन एम्परर्स, पीरियड एंड टाइम. एम्परर्स 27 BCE टू 14 CE, ऑगस्टस फर्स्ट रोमन एम्परर. 14 CE टू 37 CE टिब्रस. 98 CE टू 117 CE ट्रेजन. 117 CE टू 38 CE हैड्रियन. 193 CE टू 211 सेप्टिनियस. 272 CE सापुर फर्स्ट इन ईरान. 312 टू 337 CE कॉन्टेस्टाइन. 309 टू 379 CE सापुर सेकंड ईरान. 408 टू 450 CE थियोडोसियस, कंप्लायर ऑफ फेमस थियोडोसियन कोड. 490 टू 518 CE एंसाटासियस. 527 टू 565 CE जस्टिनियन. 531 टू 579 CE खुसरो फर्स्ट इन ईरान. एंड 610 टू 641 CE हरक्यूलस. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक सेकंड, इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट, खलीफेट. इस्लामिक स्टेट लेड बाय ए सुप्रीम रिलीजन, यानी एक सुप्रीम रिलीजन के द्वारा, इस्लाम के द्वारा इस्लामिक स्टेट को लेड, यानी उसका एक नेता होता था इस्लामिक रिलीजियस प्रॉफिट और रिलीजियस हेड, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हेड, एंड दैट वाज कॉल्ड खलीफा. एंड दैट एंड हिज रेन इज कॉल्ड एज द खलीफेट. एनल्स, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर. पेपरस, ए रीड लाइक प्लांट दैट
ग्रू एलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल फ्रॉम विच पेपर इज मेड, यानी एक रीड के बांस की तरह का एक वुड लकड़ी होती थी जिससे कि जो कि इजिप्ट में नाइल नील नदी के तट पर मिलती थी और इससे जो है पेपर बनाया जाता था और इस ट्री का नेम था पेपरस। मेडिटेरेनियन इज सी कनेक्ट टू अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट एक समुद्र उसे बोला गया था मेडिटेरेनियन, इसे भूमध्य सागर भी बोला जाता है। एरिस्टोक्रेसी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल रूलिंग ग्रुप हु आर बोर्न इन ए हाइएस्ट सोशल क्लास, यानी एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र है। ये क्या होती है, एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें कि कंप्लीट पावर एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में होती है और ये ग्रुप के जो लोग होते हैं ये बिलोंग होते हैं हाइएस्ट सोशल क्लास से। कॉन्स्क्रिप्शन द कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ पीपल इन द सम सॉर्ट ऑफ नेशनल सर्विस, यानी लोगों का जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं नेशनल सर्विस में उनका कंप्लीटली जो भर्ती है उसे कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं वो होता था। दी यूफ्रेट्स द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द वेस्टर्न एशिया, पश्चिम एशिया की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी जिसका बोलते हैं यूफ्रेट्स। डेनरस ए स्मॉल सिल्वर कोइन फर्स्ट मिंटेड अबाउट 211 BC, ये एक छोटा एक सिल्वर कॉइन था और इसको सबसे पहले 211 BCE में इसको मिंट किया गया था, यानी इसको बनाया गया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। बारबेरियंस पर्सन हु परसीव्ड टू बी अनसिविलाइज्ड, ऐसे व्यक्ति जिनको माना जाता है कि ये लोग अनसिविलाइज्ड असभ्य होते हैं, इसका मीन्स दे डू नॉट नो द रीड एंड राइट। अरेमिक द लैंग्वेज स्पोकन बाई ए लार्ज ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में या रोमन एम्पायर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इस लैंग्वेज को लार्ज पॉपुलेशन के द्वारा इसको यूज किया जाता था। कॉप्टिक द लैंग्वेज स्पोकन इन इजिप्ट में इसको बोला जाता था, इसका यूज किया जाता था कॉप्टिक लैंग्वेज का। प्यूनिक लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, इसको नॉर्थ अफ्रीका में इसका यूज किया जाता था। बर्बर लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, ये भी नॉर्थ अफ्रीका में ही इसका यूज किया जाता था। सेल्टिक द लैंग्वेज स्पोकन इन स्पेन एंड नॉर्थ ईस्ट, जो स्पेन में भी और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर में इसको यूज किया जाता था। ड्रेजल 20 ए कंटेनर कैरीड द स्पेनिश ओलाइव ऑयल, यानी स्पेन के ओलाइव ऑयल माने जैतून के तेल को ले जाने वाला एक कंटेनर और उसका नाम था ड्रेजल 20। एम फोर ए द लार्ज स्टोरेज कंटेनर कैपेसिटीज बिटवीन 1.5 and 2.5 tons, यानी जिसका 1.5 और 1.5 टन से में कैपेसिटी थी किसी भी लिक्विड को रखने की उसे बोला जाता था M4A। ड्रैकोनियन का मीन्स होता सिवियरिटी, कठोरता। फ्रैंकिंसेंस एंड एरोमेटिक रेजिन, एक बहुत ही सुगंधित एक रेजिन का मतलब एक लिक्विड द्रव होता था ऑब्टेंड फ्रॉम ट्रीज ऑफ द जीनस बोसेबेलिया ट्रीज के जो प्रजाति का जो पेड़ था उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, निकाला जाता था। एक्लोन ए रैंक और पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटी, एक रैंक और पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जो रैंक या पोस्ट दी जाती थी उन्हें एक्लोन बोला जाता था। इंटेलिजेंसिया मीन्स ए सोशल क्लास ऑफ पीपल एंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स मेंटल लेबर एम्ड टू स्प्रेड कल्चर एंड आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, यानी एक सोशल क्लास एक सामाजिक वर्ग लोगों का
जो कि मेंटल लेबर में, मानसिक वर्क कार्यों में जो संलिप्त होती थी उनको करती थी, और एंड इट्स एम वाज टू स्प्रेड द कल्चर एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर. अथॉरिटेरियन, दे बिलीव्स दैट पीपल शुड ओबे हिज अथॉरिटी एंड रूल्स इवन इफ ही इज रॉन्ग. यानी अथॉरिटेरियन का मतलब निरंकुश शासन. ये इन लोगों का ये बिलीफ था कि लोग उनको अथॉरिटी को फॉलो करें हमेशा, और अगर वे गलत हैं तो भी फॉलो करें. एंटीक्विटी, एनी पीरियड बिफोर द मिडिल एजेस. मिडिल एजेस या मिडिल एजेस का माना जाता है यूरोप में 476 टू 1453, दिस इज कॉल्ड द मेडिवल एरा इन यूरोप. इससे पहले का जो समय है उसे बोला जाता है एंशियंट पीरियड, और इससे जो बाद का जो टाइम है यूरोप में, यानी आफ्टर 1453 CE, उसका मीन्स होगा मॉडर्न एरा और द रेनेसा. आर्कियोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की कल्चर को स्टडी करना. एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स. इस प्रकार जो भी बिल्डिंग्स से रिमेन मिले हैं या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनको एग्जामिन करके, उनको इन्वेस्टिगेट करके, और हिस्ट्री के पीरियड को डिटरमाइन करना. पॉलीथीस्ट, द वर्शिप ऑफ और बिलीफ इन द मैनी गॉड्स. यानी जो लोग बहुत सारे गॉड्स में, देवी देवताओं में बिलीफ रखते हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीथीस्ट. एंड प्रिंसिपेट, द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम 27 BCE टू 284 BCE के बीच में जो भी पीरियड है उसे माना जाता है प्रिंसिपेट. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ बेजेंटाइन, बेजेंटियम जो एम्पायर था उसकी क्या हिस्ट्री है. बेजेंटियम वाज द क्रिएशन ऑफ ए सेकंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की जो है कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी था. इट इज एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तानबुल. आज टर्की कंट्री में, टर्की देश में एक सिटी है इस्तानबुल. तो ये साइट होती है जहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल था इन टर्की, विच इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय द सी. और ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ था. टॉपिक 5, व्हाट डज सिविल वार रेफर टू. सिविल वार यानी गृह युद्ध क्या होते हैं. इट रेफर्स टू आर्म्ड स्ट्रगल. ये रेफर करता है सशस्त्र संघर्ष या लड़ाई फॉर पावर, शक्ति के लिए, विद इन द सेम कंट्री. यानी जब एक ही देश में जब अपोजिंग ग्रुप आपस में पावर गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं या वार करते हैं तो उसे बोला जाता है सिविल वार. टॉपिक 6, हाउ द रोमन्स एंड हैड फॉर्म्ड देयर आर्मी स्ट्रक्चर. रोमन्स ने अपने आर्मी स्ट्रक्चर को किस प्रकार फॉर्म किया. द रोमन्स हैड ए पेड प्रोफेशनल आर्मी. यानी जो रोमन आर्मी थी वो प्रोफेशनल आर्मी थी, पेड, जिसमें रेगुलर जो है सैलरी दी जाती थी सोल्जर्स को. वेयर सोल्जर्स हैड टू पिट इन द मिनिमम ऑफ 25 ऑफ सर्विस. और किसी भी सोल्जर को वहाँ मिनिमम 25 ईयर्स सर्विस करना बहुत जरूरी था. टॉपिक 7, व्हाट डू यू मीन बाय द अगस्टन एज. अगस्टन एज से आप क्या समझते हैं. द अगस्टन एज मीन टू द रेन बाय द अगस्टस फ्रॉम 27 BCE टू 14 CE. हिज रीन इज रिमेम्बर्ड फॉर पीस. यानी एज यू नो अगस्टस वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर एंड ही रूल्ड फ्रॉम 27 BCE टू 14 CE एंड हिज रीजन इज कॉल्ड द एज द अगस्टन एज एंड इट इज फेमस फॉर पीस, शांति के लिए प्रसिद्ध है. इन विच लैंग्वेज रोमन हिस्ट्री रिटन. रोमन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में रोमन हिस्ट्री को लिखा गया. मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री वाज रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज में. ए लैटिन लैंग्वेज बाई पीपल फॉर्म ए
सेनिटोरियल बैकग्राउंड, और ये एक प्रकार जो ग्रीक तो थी वो एक लैटिन लैंग्वेज थी, और इसमें इसका जो ये इसका यूज पहले वहाँ सेनेटर्स के द्वारा, यानी वहाँ के जो 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 रूलिंग क्लास था उसके द्वारा भी यूज किया जाता था। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, राइट दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। मेंशन क्वेश्चन वन, मेंशन ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर शॉर्ट, मेंशन द पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर शॉर्ट, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ रोमन एम्पायर लॉन्ग। क्वेश्चन फोर, डिफाइन द इम्पोर्टेंट टर्म्स वेरी शॉर्ट, खलीफेट, एनल्स, पेपरस, मेडिटेरियन, एरिस्टोक्रेसी, कॉन्स्क्रिप्शन, द यूफ्रेट्स, डेनरस एंड बारबेरियंस, एरेमिक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर एंड सेल्टिक, ड्रेजल 20, एम्फोरे, ड्रैकोनियन, फ्रेंकिनसेंस, एकोलोन, इंटेलिजेंसिया, अथॉरिटेरियन, एंटीक्विटी, आर्कियोलॉजिकल, पॉलीथीस्ट एंड प्रिंसिपेट। क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर शॉर्ट, व्हाट डज सिविल वार रेफर वेरी शॉर्ट, हाउ वाज द रोमन हैड फॉर्म्ड देयर आर्मी स्ट्रक्चर वेरी शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑगस्टन एज वेरी शॉर्ट, इन विच लैंग्वेज वाज रोमन हिस्ट्री रिटन वेरी शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच।